Dear students, welcome to Pradesh Institute of Education. I, your Deepika Yadav ma'am, going to teach you mathematics. And as you all know, we were doing this chapter, chapter two, linear equation in two variable. So today we'll do the application part of linear equation. We did some examples uh, on this topic, and now we'll start the next exercise in our book, which is exercise 2.2. सो विदाउट फर्दर डीलेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज डायरेक्टली क्या करेंगे हमें कॉन्सेप्ट uh, पता है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का हमने एग्जाम्पल्स में कुछ वर्ड uh, प्रॉब्लम्स भी देखी कैसे हम उन्हें इनकाउंटर करते हैं कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं तो ये सारी चीज़ जो है अब हम फर्दर कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते टाइम ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे बुक में सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ यू सब्ट्रैक वन बाय टू फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय वन बाय टू यू गेट वन बाय एट वॉट इज द नंबर थोड़ा सा पजल जैसा क्वेश्चन है समझते हैं क्या हो रहा है तो हमें बोला गया है अगर हम वन बाय टू को किसी नंबर से सबट्रैक कर रहे हैं एंड देन फिर हम उस रिजल्ट को जो डिफरेंस हमें मिल रहा है उसे वी आर मल्टीप्लाइंग बाय वन बाय

सो एज़ यूज़ुअल, वी आर टेकिंग अ वेरिएबल एक्स हियर नो एंड वी आर सपोजिंग दैट नंबर वी नीड टू फाइंड इज एक्स नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन. वन बाय वन क्वेश्चन से ही लेते हैं क्या बात हो रही है वी आर सब्ट्रैक्टिंग नंबर फ्रॉम वन बाय टू अब वो नंबर क्या है एक्स है मीन्स हम वन बाय टू को एक नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो वील राइट एक्स माइनस वन बाय टू इतना तो क्लियर है देन दी डिफरेंस डिफरेंस क्या आएगा इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय टू अगेन तो वन बाय वन लिखते जाते हैं डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वन बाय टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाय टू यही होगा अब हम क्या कर रहे हैं इस वन बाय टू में वन बाय टू अगेन नॉट जस्ट वन बाय टू इस पूरे टर्म में हम वन बाय टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग वन बाय टू टू एक्स माइनस वन बाय टू एंड दी आर गेटिंग वन बाय टू ब्रैकेट एक्स माइनस वन बाय टू इन द रिजल्ट फ्रॉम हेयर इज वन बाय एट मीन्स अगर हम इसमें वन बाय टू मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी गेट वन बाय एट सो इन मैथमेटिकल टर्म्स वी मे राइट दिस होल टर्म वन बाय टू मल्टीप्लाई टू एक्स माइनस वन बाई टू आंसर इज वन बाई एट मिल गई एक इक्वेशन हमें चलिए इक्वेशन मिल गई मतलब अब सिर्फ सॉल्व करना है तो so, सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले इस टू को यहाँ से रिप्लेस करते हैं सो वन बाई टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सो इट विल कम हियर इन डिवीजन या फिर हम डायरेक्टली इसे क्या लिख दें इसे तो हम एज इट इज लिख लेते हैं एक्स माइनस वन बाई टू वन बाई टू यहाँ जाके डिवाइड होगा डिवाइड डायरेक्टली नहीं करेंगे मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करेंगे हम तो वन बाई एट ना इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे और रेसिप्रोकल करेंगे सो वील गेट दिस अब ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं टू फोरज आर एट सो नाउ वी हैव हाँ एक्स माइनस वन बाय टू इक्वल्स वन बाय फोर क्या करें अब इस वन बाय टू को शिफ्ट करते हैं सो टू वी टेक एलसीएम ऑफ एंड विच इक्वल्स होल अपॉन फोर दिस वन एज इट इज एंड वी नीड टू मल्टीप्लाई टू टू दिस टू सो वील मल्टीप्लाई टू इन दी न्यूमिनेटर सो वी आर गेटिंग वन माइनस टू बाय फोर दैट इज माइनस वन बाय फोर सो वी गॉट द आंसर एज वन बाय फोर मीन्स वन बाय फोर इज द नंबर जिसमें से अगर हम वन बाय टू माइनस करें और उसके रिजल्ट में वन बाय टू मल्टीप्लाई करें तो हमें वन बाय एट मिलेगा सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन वन बाय वन हम वही करते गए जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी एंड वी गॉट दी आंसर एज माइनस वन बाय so thus we'll write the concluding statement as the number is minus 1 by 4 clear okay so let's go to the next question next question is the perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter perimeter given hai a rectangular swimming pool ka as 154 meter इट्स लेंथ इज टू मोर देन टाइज इट्स ब्रेथ उसकी लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ से ट्वाइस से टू ज़्यादा है मतलब ब्रेथ को डबल कर रहे हैं देन वी आर एडिंग टू टू इट तो इस तरीके से उसकी लेंथ की मेजरमेंट है वॉट आर देंथ इन दी ब्रेथ ऑफ दुल तो हमें फाइंड आउट करना है इसके डायमेंशंस की लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है तो सबसे पहले दो मिसिंग चीजें हैं यहाँ पे वन इज दी लेंथ एंड वन इज दी ब्रेथ नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट वील सपोज किसे हम सपोज करें लेंथ सपोज करें या ब्रेथ सपोज करें सो एज आई टोल्ड यू क्वेश्चन यह बताएगा हमें कि क्या करना है तो हमें दिया गया है लेंथ ब्रेथ के रिगार्डिंग कि ब्रेथ में हम ट्वाइस करें और टू ऐड करें तो हमें लेंथ मिल जाएगी मीन्स अगर हमारे पास ब्रेथ होती तो हम लेंथ ईजिली फाइंड कर सकते थे तो हम क्या करेंगे हम इस ब्रेथ को ही सपोज करेंगे उसके रिगार्डिंग लेंथ ले लेंगे और उसके बाद हम पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो चलिए करते हैं सो so, सॉल्यूशन में सपोज दी

अब लेंथ क्या दी गई है ब्रेथ को डबल करके देन हमें टू ऐड करना है सो so, सबसे पहले ब्रेथ को डबल करेंगे सो टू एक्स ट्वाइस दी ब्रेथ एंड टू मोर देन दिस ट्वाइस दी ब्रेथ विल बी लेंथ सो लेंथ हो गई हमारी टू एक्स प्लस टू मीटर नाउ पेरीमीटर क्या हो जाएगा इक्वल्स टू टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यही होगा सब्सिट्यूट करते हैं दोनों वैल्यूज को टू एज इट इज लेंथ व्हाट इज देंथ लेंथ लेंथ इज दिस टू एक्स प्लस टू प्लस बी व्हाट इज ब्रेथ ब्रेथ इज एक्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे सो टू एज इट इज टू एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स Then we have 2. Now, what? Let us remove the grouping element, the bracket. So, 2 into 3, 6x, 2 into 2, 4. So, we got the parameter as 6x plus 4. But there is one more parameter given in this question, which is the parameter of this same swimming pool. So, this parameter has to be equal to that parameter 154. So, let us equate them. Let me do it here. But parameter is given as one fifty four meter. Therefore, six x plus four will be equals to one fifty four now we got a linear equation here and now we know very well how to solve a given linear equation so let's transpose the 4 to lhs not lhs to rhs so 6x as it is this 4 will come here in negative sign so we got this now 6x as it is 154 minus 4 will be equals to 150 एक्स फाइंड करना है इस सिक्स को भी शिफ्ट करना है सो एक्स विल बी इक्वल्स टू 150 फिफ्टी बाई सिक्स विच विल इक्वल्स टू ट्वेल्व सिक्स फाइव जी थर्टी सो एक्स इज 25 मीटर अब एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, फाइव सो एक्स क्या लेकर चले थे हम एक्स इज ब्रेथ सो ब्रेथ मिल गई हमें ट्वेंटी फाइव नाउ वी कैन फाइंड दी लेंथ. सब कुछ हटाते हैं वी कॉट दी ब्रेथ एज देर फोर ब्रेथ विल बी इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव मीटर एंड लेंथ विल बी इक्वल्स टू 2x plus 2 that is 2 into 25 plus 2 which will be equals to 27 54 meter. So, we got the length and breadth both here length is 54 meter and breadth is 25 meter. And in this question, we need to find the length and breadth of the pool and we got the answer as 54 and 25 respectively. So, what right? is the question the right? Correct. So, the question. Now question is, the base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 is to 2 by 15 centimeter. वॉट इज देंथ ऑफ इधर ऑफ द इक्वल साइड नाउ एक ट्रैंगल है आइसोसिलू साइड हैज इक्वल विथ ईच अदर एंड उसका एक जो बेस हमें गिवन है दैट इज द अनईक्वल साइड वो है फोर बाय थ्री गिवन है और हमें क्या दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है सो वी कैन अप्लाई दमूला फॉर पेरीमीटर एंड क्या फाइन करना है हमें इक्वल साइड की लेंथ तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ ट्राएंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं सो पेरीटर ट्राएंगल या पेरीमीटर ऑफ एनीथिंग इज जस्ट दी सम ऑफ दी लेंथ ऑफ दी बाउंड्री कंडीशन करेक्ट सो तीन साइड्स होंगे तीनों साइड्स का अगर हम सम निकाल देंगे सो वील गेट दी पेरीमीटर ऑफ दी ट्राएंगल नाउ वन साइड इज गिविन वी नीड टू मोर साइड्स एंड दे दू साइड आर इक्वल टू ईच अदर

ऑफ एन आई सो ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर मीन्स वो जो दोनों इक्वल साइड है वो एक्स सेंटीमीटर है देअोर पेरीमीटर will be equals to x plus x plus the third side which is 4 by 3 here. Now we can simplify this x plus x will be equals to 2x then we have this 4 by 3. So we got the perimeter as 2x plus 4 by 3. Now there is one more perimeter given here. So let us write it here. बट पेरीमीटर इज गिवेन एज फोर इज टू टू बाय फिफ्टीन सेंटीमीटर दैट इज सॉल्व कर लेते हैं इसे सो फिफ्टीन फोर आर सिक्सटी सिक्सटी प्लस टू सिक्सटी टू बाय फिफ्टीन दे आर फोर दोनों पेरीमीटर इक्वेट कर लेते हैं ये हमारा वाला पैरीमीटर था एंड दिस पैरीमीटर इज गिविन सो टू एक्स प्लस फोर बाय थ्री विल बी नाउ इक्वल्स टू सिक्सटी टू बाय फिफ्टीन तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। नाउ जस्ट वी नीड टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन ट्रांसपोज कर लेते हैं सो टू एक्स एज इट इज नाउ हमें से इस र एच एस पर शिफ्ट कर रहे हैं सो सिक्सटी टू बाय फिफ्टीन माइनस फोर बाय थ्री एल सी एम लेंगे फिफ्टीन और थ्री का एल सी एम लेंगे तो हमें मिलेगा फिफ्टीन ओनली सो वी गॉट टू एक्स इक्वल्स होल अपॉन फिफ्टीन now take 15 is as it is here so we will write the numerator as it is subtraction 3 5's are 15 so 5 4's are 20 so this will be equals to 2 x equals 2 minus 0 2 6 minus 2 4 whole upon 15 what aadna hai is 2 ko shift ka 2 is here multiplying with x so it will गो हि इन डिविजन केस एक्स विल बीक्वल्स टू फोर्टी टू होल अपॉन फिफ्टीन मल्टीप्लाइड बाय वन बाय टू तो ये जो टू था ये डिविजन में जाएगा तो इसे हमने कुछ इस तरीके से लिखा है वन बाय टू नाउ वी कैन कैंसल आउट दिस फोर्टी टू बाई टू सो टू टू जार फोर टू वन जार टू एंड थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन थ्री फाइव जार फिफ्टीन सो वी गॉट वैल्यू फॉर एक्स एज थ्री बाय फाइव मीन्स द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड इज थ्री बाई फाइव सेंटी मीटर क्लियर तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ज्यादा कुछ नहीं करना था पेरीमीटर गिवन था तो हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया Equal side, we suppose karke chalete, x, one side is given in the question, perimeter find out karna means the side ka sum find out. karna. So, we do the sum here and we got 2x plus 4 by 3, but there is one more perimeter given in the question. So, we have equated the perimeter we got to the perimeter given in the question. So, we got a uh, linear equation here, then we just solve the linear equation to find the value for x. एंड वी गॉट द वैल्यू फॉर एक्स एज थ्री बाय फाइव बाय सॉल्विंग इट अकॉर्डिंगली क्लियर तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था ये बिल्कुल ईजी था चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इन अवे बुक क्वेश्चन पढ़ते हैं सम ऑफ टू नंबर्स इज नाइंटी फाइव इफ वन एक्सीड्स दर बाय फिफ्टीन दंबर्स दो नंबर्स दोनों का जो सम है वो है नाइंटी फाइव एंड एक और कंडीशन गिवेन है इसका क्या मतलब होता है नाउ दिस एक्सीड्स वॉट डज दिस एक्सीड मीनस तो इसे हम थोड़ा सा और सिंपल वे में समझें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे वाले से फिफ्टीन ज़्यादा है वन नंबर इज़ फिफ्टीन मोर देन दी अदर और इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर इज़ फिफ्टीन नाउ सेकेंड वन सीम्स टू बी मोर इजी फॉर एस करेक्ट कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस जो है वो फिफ्टीन दिया हुआ है तो चलिए बस इसी मैथड से सॉल्व कर लेते हैं अब जहाँ पर भी एक आएगी तो हम यही लॉजिक यूज़ uh, करेंगे दैट विल फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर सम गिवन है डिफरेंस गिवन है तो लिखते हैं सबसे पहले नंबर सपोज करते हैं फाइंड दी नंबर्स तो एक नंबर हम सपोज करते हैं लेट दी वन नंबर बी एक्स देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा सिंस सम ऑफ टू नंबर इज गिवेन एज नाइंटी फाइव देर फोर अदर नंबर विल बी इक्वल्स टू दोनों का सम नाइन्टी फाइव है एक एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा नाइन्टी फाइव में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दे तो विल गेट दी

डिफ्रेंस ऑफ एक्स एंड नाइन्टी फाइव माइनस एक्स इज फिफ्टीन सो एक्स माइनस दैट इज एक्स माइनस नाइंटी फाइव माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू फिफ्टीन इक्वेशन आ गई हमारे पास ब्रैकेट ओपन करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं So, x minus 295 minus 2 minus plus x equals 15. Now, x plus x 2x minus 95 equals 15. We got a simple linear equation here, just transpose this 95 to RHS. So, we got 2x equal 15 plus 95 so 15 plus 95 let's just do this sum here 2x as it is 15 plus 95 5 of 5 0 10 means 0 1 carry 9 over 10 and here we have 11 so X will be equals to 110 minus 2 because 2 is multiplying with X here

सो so, क्वेश्चन बहुत छोटा सा था बहुत इजी था जस्ट क्या करना था दो लॉजिक हमने यहाँ अप्लाई किए एक तो गिवन सम था वो अप्लाई कर दिया इन सेकेंड वन इज एक को हमने कन्वर्ट कर लिया है डिफरेंस के फॉर्म में क्योंकि एक सीट एक दूसरे से इतना ज़्यादा है मीन्स दोनों का डिफरेंस जो है वो इतना दिया हुआ था तो यस क्वेश्चन डन हो गया है इजी सा था जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा आगे बढ़ते हैं

रेशो दे दिया जाता है सो वी ऑल नो कि अब हमें नंबर्स कैसे सपोज करना है इन एक और कंडीशन यहाँ गिवन है दैट उनका डिफरेंस जो है वो एटीन है अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने पढ़ी थी एक्सीड वाली कंडीशन दे आर ऑल्सो वी टुक द डिफरेंस ऑफ दो नंबर्स इन दिस केस इफ़ वी हैव रिटन डिफर डिफर इज़ ऑल्सो वन सिनोनिम्स ऑफ डिफरेंस सो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे डिफरेंस वाला ही केस लेंगे दैट इन दोनों जो नंबर के बीच का डिफरेंस है वो एटीन है मीन्स हम दोनों को सब्ट्रैक करेंगे सो वील गेट डिफरेंस एज एटीन तो चलिए करते हैं सबसे पहले नंबर सपोज करते हैं सिंस द रेशो इज गिवन एज फाइव इज टू थ्री सो लेट नंबर्स आर फाइव एक्स एंड थ्री एक्स अब हमने क्या माने हैं नंबर पहला वाला रेशो था फाइव सो वी टूक कॉमन टर्म एज एक्स कॉमन पार्ट इज एक्स सो पहला वाला हो गया फाइव एक्स एंड सेकेंड वाला हो गया थ्री एक्स नाउ लेट्स फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू नंबर्स डिफरेंस ऑफ फाइव एक्स एंड थ्री एक्स इज फाइव एक्स माइनस थ्री एक्स यही करेंगे डिफरेंस करने के लिए दैट विल बी इक्वल्स टू टू एक्स बिकॉज दीज टू आर लाइक टर्म्स तो हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं इन्हें नेगेटिव सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं एंड वी डिड दैट टू गेट टू एक्स न बट इन क्वेश्चन, वी हैव गिवन दैट द डिफरेंस इज एटीन गिवन डिफरेंस इज 18। एटीन गिविन है therefore, क्या हो जाएगा therefore, हमारा जो डिफरेंस है और गिविन डिफरेंस है दे हाज टू बी इक्वल इक्वल ये दोनों equal होने चाहिए तो हम लिख देंगे टू एक्स विल इक्वल्स टू एटीन नाउ हियर वी गॉट दी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नाउ वी ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन केस वील ट्रांसपोज दू टू आर एच एस

फाइव एक्स एंड थ्री एक्स मीन्स अभी सिर्फ एक्स नहीं फाइंड आउट करना है थोड़ा सा आगे और सॉल्व करते हैं सो नंबर्स विल बी दर्स टू नंबर्स आर फर्स्ट इज फाइव एक्स सो विल राइट फाइव इन टू नाइन बिकॉज एक्स इज नाइन that is 45 so first number is 45 second is 3x so 3 into 9 27 so this is the answer the two numbers are 45 and 27 now again ek cheez yaad rakhenge 5x minus 3x kiya hai we can't do 3x minus 5x because again we are getting a whole number here 18 which is positive होल नंबर है पॉजिटिव ही होगा तो फाइव माइनस थ्री एक्स करेंगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे देन ओनली विल गेट एटीन बिकॉज इफ इट इज रिटन हियर माइनस एटीन तो हम क्या करते थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स करते तो ये क्वेश्चन में ही हमें ध्यान देना है कि कब हमें किस में से किसको को subtract करना है इफ़ वी हैव दी केस ऑफ डिफरेंस हेयर इफ वी नीड टू डू दब्ट्रैक्शन इन द गिंग क्वेश्चन तो ये हमें कहीं पर भी मेंशन नहीं होगा कि आपको पहले किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है कभी कभी हो सकता है बट नॉट ऑल दी टाइम तो वहाँ हमें खुद डिसाइड करना है दैट हम फर्स्ट नंबर किसे ले रहे हैं सेकेंड नंबर किसे ले रहे हैं अब हमने कैसे डिवाइड किया कि फाइव एक्स ही बड़ा होगा थ्री एक्स छोटा होगा तो जाहिर सी बात है इट इज़ ऑबियस कि x x इज़ कॉमन टू बोथ

सो दिस इज हाउ वी सोल्व दिस क्वेश्चन रेशियो गिवन था नंबर्स फाइंड करने थे तो हमने नंबर्स फाइंड कर लिए क्लियर सो दैट्स इट फॉर टुडे टुडे वी हैव सोल्व क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एक्सरसाइज नाउ इन दी नेक्स्ट वीडियो वील डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो डू रिवाइज ऑल दिस क्वेश्चन थैंक यू